Hello everyone, today we are going to study functions of management. There are five functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So first we are going to study our first function of management, and we can say that element of management, that is planning. Planning is always the first function performed by every manager. Planning क्या होता है, ये पहला function होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है किसी भी मैनेजर के थ्रू. प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू डू, हाउ इज टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउम इज गोइंग टू डू इट. ये होता है हमारा प्लानिंग. जैसे जैसे हम ये फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आपकी BS की बुक में ये पूरे के पूरे चैप्टर है आगे जो आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं. प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी एक यूनिट है. तो अभी हम छोटे में समझ लेते हैं, थोड़े ब्रीफ में, कि क्या होता है प्लानिंग. डिसाइडिंग इन एडवांस, जो भी मैनेजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पहले से ही डिसाइड करके चलता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किससे कराना है. ठीक है, ये प्लानिंग का मेन पर्पज़ होता है. प्लानिंग ब्रिंग्स द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच. प्लानिंग क्या होता है, गैप भरता है कि आज हम कहाँ पर हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पर पहुँचना है. प्लानिंग करके planning deciding what needs to happen in the future. planning decide करता है एडवांस में कि हमें क्या करना है फ्यूचर के अंदर. एंड जनरेटिंग द प्लान्स फॉर एक्शन, और क्या करते हैं हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने एक्शन प्लान को में वर्क करते हैं. डिसाइडिंग, प्लानिंग सिंपली कह सकते हैं हम डिसाइडिंग इन एडवांस, कि हमें डिसाइड करना है एडवांस में कि हमें क्या क्या काम करने हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग अप ऑफ प्लान. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो भी हमने कुछ भी प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ड्यूटीज़ को असाइन करना है. अगर हमने प्लानिंग की है कि हमें कोई एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्यूटीज़ को असाइन करना होगा. हमें स्टाफ चाहिए होंगे, या हमको कौन चाहिए होगा, अकाउंटेंट चाहिए होगा एक अकाउंट करने के लिए, या फिर एक पर्सन चाहिए जो सारी चीज़ों को अरेंज करके दे. कितने हमें फूडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कितने हमें स्टाफ रखना है, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग. असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क, सबको एक ग्रुप में बना देना, ग्रुप डिवाइड कर देना वर्क करके. एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज. एलोकेटिंग मतलब इकट्ठा करना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक प्लान. किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसे हमने नाम दे दिया, उसे हमने क्या बोला, डेट वी कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइज करना जितने भी हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, कितने रिक्वायर्ड मटेरियल है, ये रिक्वायर्ड थिंग्स हैं. हाउ मैनी पोस्ट और डेलीगेशन आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल. ठीक है, ये कब होगा, जब हम प्लानिंग कर लेंगे, कि जब हमने प्लानिंग कर लिया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको मैनेज करने के लिए करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी एंड एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजिंग हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसके लिए हम काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. स्टाफिंग क्या होता है, कि हमें सर्च करना, स्टाफ को रखना. जब हमें पता चल गई कि हाँ हमें तीन मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो क्या करना है, अब उनको रखने के लिए, उनको ज्वाइन कराने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो हम सीखते हैं स्टाफिंग के अंदर. स्टाफिंग इज़ अ थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, अपॉइंटमेंट टू द एम्प्लॉयज, असाइनिंग देम ड्यूटीज, मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड टेक केयर ऑफ ग्रेवियंसेज ऑफ एम्प्लॉयज. स्टाफिंग क्या होती है, जब हमें पता चल गया हमें कितने कितने पर्सन्स की ज़रूरत है, कितने बंदे की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉय हमें ह्यूमन बींग की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बाद उन्हें इकट्ठा करने के लिए, मतलब उन्हें ट्रेनिंग देते हैं हम, उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये हमारा सब किस में आता है, स्टाफिंग में. यहाँ तो एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया है ये आपको ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग. बट इन अब हम क्या करेंगे, आगे चल के इसका पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे
कि स्टाफिंग के और क्या फंक्शन होते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसकी स्टडी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग आफ्टर स्टाफिंग। डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइनिंग टू दैम। डायरेक्टिंग क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना, मतलब उससे काम कराना, उसे मोटिवेट करना कि आप उसको जो भी काम दिया गया उसे उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए मोटिवेट करना। इसके अंदर भी कई सारे फंक्शन आते हैं। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ अ नीड टू इंस्ट्रक्ट दैम एंड गेट द वर्क डन। ठीक है, एक बार जब हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, बट उसे क्या कराना है, अब हम उसे काम कराना है, उसे इंस्ट्रक्शन देना है, उसे गाइड करना है कि वो जैसे क्या करे, अच्छे से अच्छा काम हमें करके दे। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग दैन, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद दैम, कैसे कि उनसे कम्युनिकेट करके, उनको सुपरवाइज करके या फिर उनको गाइड करके कैसे भी उन्हें डायरेक्शन देना है। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। इन द फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि जो एक्चुअल हमने प्लानिंग की थी कि एक महीने के अंदर मुझे 10,000 रुपये क्या करना है, 10,000 रुपये का कोई भी गुड्स सेल कर देना है, जो हमने एक्चुअल प्लान किया था, क्या हम वैसा कर पाए कि नहीं कर पाए, हमने 10,000 का सेल किया या उससे ज़्यादा का सेल किया, अगर हमने उससे ज़्यादा का किया है तो वेल एंड गुड है, अगर हमने उससे कम का किया है तो क्या रीजंस रहे, जो हमने प्लानिंग की वो अच्छे से नहीं काम की, या जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए, या हमने स्टाफ हमारे अच्छे से काम नहीं किया, या हमने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं दिए। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई, जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया है और जो हमने प्लान्ड आउटपुट था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, If there is no match between both of them, manager try to find out the reason of deviation. अगर हमने जो actual performance निकली और हमारी planned performance थी उसके अंदर क्या हुआ, deviation आया, deviation मतलब change आया है, तो हमारा manager क्या करेंगे, उसके लिए reason find out करेंगे and suggest corrective measures, और उसको correct करने के लिए क्या करेंगे, suggestive steps उठाएंगे कि आपको ये काम किस तरीके से करना है, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसे कैसे इम्प्रूव करना है। फर्स्ट क्या होता है कंट्रोलिंग में, कि रीजंस को फाइंड आउट करना किस वजह से हमारा काम परफॉर्म नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट वन इज कि उसको दूर करना, उसको शॉर्ट आउट करना कि कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी काम को करने में, अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसको दूर कैसे किया जाए, उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, या उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दीज ऑल फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल।